हाई गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ कुछ शैम्पूज का एंड ऑयल का। तो मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट डिफरेंट हेयर प्रॉब्लम्स के साथ, कि मेरे हेयर में ये प्रॉब्लम है, मेरे हेयर फॉल हो रहा है, मेरे को डेंड्रफ हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा ऑयल है। तो उसके हिसाब से मैंने कुछ शैम्पूज डिस्कवर किए हैं एंड उन्हीं का मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ। तो आपको जिस भी टाइप की प्रॉब्लम है, जो भी आपका हेयर कंसर्न है, उस हिसाब से आप अपना शैम्पू एंड ऑयल चूज कर सकते हैं। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं मेगा मार्ट से, एंड ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहां से आप अपने हेयर केयर, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। कुछ इस टाइप के बॉक्स में मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुए थे, ये कार्डन के बॉक्स में। यहां से मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट शैम्पूज ट्राई किए हैं। सो वन बाय वन हम हेयर कंसर्न पे आते हैं। सबसे फर्स्ट कंसर्न है क्लॉग्ड फॉलिकल्स। जैसे हमारी स्किन है ना फेस की, वैसे ही हमारा स्कैल्प भी होता है। हमारे स्कैल्प पे भी डर्ट और ऑयल की वजह से हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं एंड हमारी हेयर ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एफ क्लीन शैम्पू फॉर क्लॉग्ड फॉलिकल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एफ क्लीन शैम्पू फॉर क्लॉग्ड फॉलिकल्स। तो ये जो एफ क्लीन शैम्पू है स्पेशली क्लॉग्ड फॉलिकल्स के लिए ही बनाया गया है। तो आप इस शैम्पू को जब यूज करेंगे तो आपका जो क्लॉग्ड फॉलिकल्स है वो हट जाएगा एंड आपके जो स्कैल्प है उसको हाइजीनिकली मेंटेन करेगा, आपके स्कैल्प को, आपके हेयर को नरिश करेगा एंड साथ ही साथ एक शाइनी लुक देगा आपके हेयर को। तो अगर आपके हेयर भी डैमेज एंड रफ है और क्लॉग फॉलिकल्स की प्रॉब्लम्स है, देन डेफिनेटली गो विद दिस वन। एफ क्लीन शैम्पू के साथ जाइए और इस शैम्पू को ट्राई करें। सो नेक्स्ट जो कंसर्न होता है वो लोगों का होता है, बहुत लोगों का, कि वो डेली शैम्पू करना चाहते हैं। जैसे फेस वॉश करते हैं वैसे ही डेली हम शैम्पू भी करना चाहते हैं। मैं डेली शैम्पू करना पसंद करती हूँ, बट मैं हमेशा से एक माइल्ड शैम्पू चाहती थी जो कि बिल्कुल भी हार्श ना हो मेरे हेयर के लिए और साथ ही साथ मेरे हेयर को जेंटली क्लेंस कर दे और सॉफ्ट एंड सिल्की भी बना दे मेरे हेयर को डेली वॉश करने पे। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ सेरेन का एक्स्ट्रा माइल्ड शैम्पू। ये जो शैम्पू है ये बिल्कुल माइल्ड है और इसमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं है। आप डेली बेसिस पे इसको यूज कर सकते हैं। मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ डेली बेसिस में एंड मेरे जो हेयर है आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मुझे बाउंसी, स्मूथ एंड सिल्की लगने लग गए हैं। तो डेली बेसिस में अगर आप चाहते हैं और आप वर्किंग है एंड डेली आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन एंड डर्ट की वजह से आप चाहते हैं कि कोई माइल्ड सा शैम्पू मैं लूं, तो आप अगर एक अच्छा शैम्पू माइल्ड ढूंढ रहे हैं देन गो विद दिस वन सेरेन एक्स्ट्रा माइल्ड शैम्पू, क्योंकि ये आपके हेयर को क्लेंस तो करता ही है जेंटली बट साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशनिंग भी प्रोवाइड करता है। तो मुझे बहुत पसंद है ये डेली बेसिस में एंड सेरेन का ये शैम्पू आप जरूर ट्राई करें। और कंसर्न जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को होता है, 90% लड़कों सबको होता है, वो होता है हेयर लॉस का, हेयर थिनिंग का। तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो मैं शैम्पू बताऊंगी वो है ये एच वॉश का कैफीन शैम्पू, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए, ये जो शैम्पू आप देख सकते हैं हेयर ग्रोथ को एनर्जाइज करने में काफी काम आएगा एंड हेयर लॉस को भी कंट्रोल करने में काफी काम आएगा। सो एच वॉश शैम्पू हेयर लॉस के लिए बहुत अच्छा है, जो कि हेयर रूट्स को स्ट्रेंथन अप करता है, रैपिड हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है एंड सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि अगर आपको हेरिडिटी वाली प्रॉब्लम है कि हेरिडिटी की वजह से होता है कि हमको हेयर लॉस हो रहा है, तो भी उसको भी ये स्लो डाउन करता है। तो उसके लिए भी ये जो शैम्पू है बहुत अच्छा है, आपको हेयर लॉस में बहुत ज्यादा कंट्रोल करेगा। सो डेफिनेटली इसको ट्राई करें, ये आपके हेयर लॉस को कम करेगा, आपको कोई इरिटेशन प्रोवाइड नहीं करता है एंड ड्राइनेस को भी काफी कम करता है। सो फॉर हेयर लॉस ट्राई दिस वन एच वॉश। नेक्स्ट बात आती है हेयर ऑयलिंग पे। शैम्पूज तो हमने तीन तीन कंसर्न्स के लिए देख लिया है, अब बात आती है ऑयलिंग पे, क्योंकि काफी लोग ऑयलिंग नहीं करते हैं और मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि आप हेयर ऑयल जरूर यूज करें। ऑयलिंग जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हम में से काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं कि हम वही पुराने ऑयल्स यूज कर रहे हैं जो हमारी मम्मी दादियों ने सजेस्ट किए थे कि ये वाला तेल लगा लो तो बाल अच्छे हो जाएंगे। बट डू यू नो कि क्या वो जो ऑयल्स हैं वो आपके जो हेयर है उसको वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो आजकल के पोल्यूशन एंड ऑल में हमको जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उस टाइम इतना पोल्यूशन एंड गंदगी नहीं थी जो आज के टाइम में है। सो उसके लिए हमको और ज्यादा अच्छा ऑयल चाहिए जो कि हमारे हेयर को अच्छे से नरिश कर पाए और स्ट्रेंथनिंग कर दे पाए। तो स्ट्रेंथनिंग एंड
नरिशमेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये ऑयल, ये है एलिक्सर हेयर ऑयल। एंड ये जो ऑयल है मैं पिछले कुछ टाइम से यूज कर रही हूँ, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। लाइक आपके हेयर को जैसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। अगर मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट बताऊं तो बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, एकदम नेचुरल। इसमें कोकोनट ऑयल है, सेसमे ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, आमला ऑयल, आलमंड ऑयल, ब्रह्मा ऑयल, भृंगराज ऑयल। सो काफी अच्छे अच्छे ऑयल्स हैं जो कि आपके हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सो ये सभी ऑयल जो है इसमें मिक्स्ड हैं, एंड यही ऑयल जो है आपके हेयर को एक अच्छा एलिक्सिर प्रोवाइड करता है एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसीलिए इस ऑयल का नाम है एलिक्सिर। एंड या मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा शाइन एंड एलिक्सिर ये मेरे हेयर को प्रोवाइड करता है। मैं आपके लिए इस ऑयल के लिए थम्स अप दूंगी, जरूर ट्राई करें। दिस इज माई सेकेंड बॉटल, तो आप सोच सकते हैं मुझे कितना पसंद आया ये ऑयल। सो इफ यू वांट टू बाय एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स तो इन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, शैम्पू कंसर्न के हिसाब से ले लीजिए आप। और ऑयल तो है ये सबके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से आपको जो भी प्रोडक्ट्स लेना है ले सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।